महत्व के विषय पर आपने जीरो आवर पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मुंबई में 2005 में बरसात के दिनों में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। उसके बाद में राज्य सरकार ने एक चितले समिति का गठन किया और चितले समिति ने जो रिपोर्ट दिया उसके माध्यम से सभी नदियों को चौड़ा करके दीवार बांधने का काम शुरू किया। मुंबई महानगर पालिका ने इसमें बहुत बड़ा काम किया। हमारे सांसद किरीट सोमय जी ने भी बहुत आगे बढ़कर इसमें अपना योगदान दिया। मैं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका का धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अच्छा काम किया। लेकिन आश्चर्य की बात इन दिनों में अध्यक्ष जी ये है कि महानगर पालिका 350 करोड़ रुपया खर्चा करके रिवर के जो बेस होते हैं उसको भी कॉन्क्रीटाइज करने का शुरू किया है। मुंबई शहर में लोगों ने एक जागृति करके एक एनजीओ है रिवर मार्च के नाम से, हजारों लोग इसके बारे में आंदोलन इन दिनों में कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो कैनल बनता है उसका बेस को कॉन्क्रीट करते हैं तो हम समझ में आती है बात, लेकिन नदियों को नीचे बेस को कॉन्क्रीट करना यानी टैक्स पेयर का पैसा पानी में डालने जैसा है। ये जो नेचुरल सोर्सेस है वाटर के, उस बेस को कॉन्क्रीट न किया जाए, इसके बारे में बहुत बड़ा आंदोलन मुंबई शहर में खड़ा हुआ है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका को इस काम के लिए बेस को कॉन्क्रीट करने से रोका जाए, नहीं तो प्रेसिडेंट बनेगा तो फिर पूरे देश के लोग इस प्रकार का काम करने का शुरू करेंगे और सारा टैक्स पेयर का पैसा जो है वो पानी में डाला जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस विषय को इस माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।